और बहुत लोग ये कमेंट करते हैं भाई स्टेरॉइड लेके करा है ये सब अचीव, और 17 की एज में इतने लिफ्ट, इतना मसल मास, इतनी बॉडी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं ला सकते भाई। खुद तुमने ना 17 की एज में ना अपना पैंट साफ करना, मुंह साफ, नाक साफ करना नहीं सीखा होगा तो तुम ऐसे ही बोलोगे। अब मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना वो कमेंट्स पढ़ के कि क्या ही बोलूँ। एक तो बहन ने तुम्हारे लिए यूट्यूब वीडियो भी ला गया, अपनी मम्मी को भी बैठा लिया, सब पूछवा लिया कि एज मेरी ये है, इतने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, तभी भी पता नहीं क्यों चुल मची है। यही कमेंट्स करते रहोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अबे अपने इंडिया के बंदे को आगे नहीं बढ़ने दोगे तो क्या ही बोलूँ भाई। बाकी लव प्यार प्यार करने वाले भी बहुत हैं, हेटर्स 10-15% है, हेटर्स भी नहीं बोलूंगा, वो भी लवर्स ही हैं, छुपके से देखते हैं पर देखते हैं सक्सेस को। एंड मैं रुकूंगा नहीं, सक्सेस करना हमेशा, बढ़ता रहूंगा आगे। बस वही नेगेटिव कमेंट्स मुझे मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, तो करते रहो। बस मैं इतना क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई बाहर दूसरी कंट्री का बंदा ऐसा बोलता है तो चलो है कि चलो दूसरी कंट्री का है, हमारे इंडिया वालों से जल रहा है। अब इंडिया वाले ही मेरी ढंग से ले रहे हैं कमेंट्स में तो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। काफ़ी लिफ्टर्स हैं यार इंडिया में, वर्ल्ड में, उनको देखो फिर मुझे देखो, मैं भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा हूँ। उनको अप्रिशिएट करते हो तो मुझे भी करो थोड़ा बहुत। और जिसको एज का दिक्कत है मैंने पिछले पार्ट वन में बता दिया है, बाकी अब नेचुरल की दिक्कत है तो मैं टेस्टिंग भी करवा दूंगा, जब चाहे जो बोले पैसे भिजवा दो मैं करवा लूँगा नेचुरल या स्टेरॉइड वाली टेस्टिंग भी, कोई दिक्कत नहीं।